आज ही के दिन 1877 में ऑस्ट्रेलिया ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 45 रनों से हराया। 1895 में आज ही के दिन लुमियर्स ब्रदर्स ने अपने नए पेटेंट सिनेमेटोग्राफ से पहला फुटेज रिकॉर्ड किया। 1944 में आज ही के दिन आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 1953 में आज ही के दिन पहली बार एकेडमी अवार्ड्स का टीवी पर प्रसारण हुआ। 1965 में आज ही के दिन इंडोनेशिया ने सभी विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। 1972 में आज ही के दिन भारत और बांग्लादेश के बीच शांति एवं मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1982 में आज ही के दिन महान राजनेता जेबी कृपलानी का अहमदाबाद में निधन हुआ। 1990 में आज ही के दिन कनाडा की राजधानी ओटावा में महिलाओं की पहली विश्व आइस हॉकी प्रतियोगिता आयोजित हुई। 1994 में आज ही के दिन जापान के योकोहामा में 160,000 अंडों से विश्व का सबसे बड़ा 1383 वर्ग फुट आकार का ऑमलेट तैयार किया गया। 1998 में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन 1998 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता ईएमएस नंबूदरी पाद का निधन हुआ। 2004 में आज ही के दिन अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में पहली बार चीन पर मुकदमा ठोका। और आज ही के दिन 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।